तो और बताओ दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेट्रोला की तरफ से आने वाले इन ईयर ब्लूटूथ ईयरफोन्स के बारे में। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो इसकी प्राइस है लगभग 1300 रुपीज़। ऑनलाइन अमेजोन पे 1200 दिखा रहा है, मैंने ऑफलाइन लिया था 1300 रुपये में। अब यार मेट्रोला एक वेल नोन कंपनी है, अगर आपको ब्लूटूथ ईयरफोन्स चाहिए तो क्या आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, जो कि मतलब एक मीडियम प्राइस है। तो चलिए देखते हैं इसी के स्पेसिफिकेशन के बारे में, क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है और क्या आप इसके बारे में कंसीडर कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए इसको बक्से से बाहर निकालते हैं। अब यार अगर बात करें इसके बॉक्स के बारे में, तो सामने से आपको देखने में कुछ इस तरीके से इसका बॉक्स मिल जाएगा। और यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन सामने ही दी गई है वो है ब्लूटूथ भैया 5.0 की टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो अच्छा खासा आपको कनेक्टिविटी इससे मिलने वाला है। अब यहाँ पर जो दिया गया था कनेक्टिविटी यार लगभग 800 फीट की यहाँ पर दिया गया था कि कनेक्टिविटी है इसकी, लेकिन मैंने जहाँ तक टेस्ट किया 800 फीट का मतलब होता है लगभग 250 मीटर, लेकिन बिल्कुल भी वैसा नहीं है। लगभग मुझे लगता है कि 50 मीटर इसकी कनेक्टिविटी अच्छी रहती है, उससे आप दूर जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम चालू हो जाता है। और IPX4 का आपको स्वीट रेजिस्टेंस मिल जाता है यहाँ पर, तो इससे कैसा है कि थोड़ा स्प्लैश प्रूफ है, थोड़ा बहुत पानी अगर इस पर पड़ जाता है तो झेल जाएगा ये। और मैग्नेटिक इसमें डिज़ाइन मिल जाती है। अब पीछे की तरफ देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती हैं। वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी मेंशन की गई हैं। इसका जो प्ले टाइम है 9 आवर्स का प्ले टाइम आपको मिल जाएगा, लेकिन कंपनियाँ जितना लिखती हैं एग्जैक्ट सेम होता नहीं है। तो आप मान के चलिए कि आपको 6-7 घंटे तो ज़रूर मिल जाएगा, जिस हिसाब से इसमें मेंशन किया गया है। अब यार अगर इसके साथ बात करें, बॉक्स के साथ इसमें ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। वैसे पहले से ही मैंने ओपन ओपन सब सारी चीज़ें कर ली हैं, एक हफ्ते से ये चीज़ यूज हो रही है, यूज में है। तो ये देखो इस तरीके का कुछ इसमें मिल जाता है आपको, ये मेट्रोला का स्पोर्ट ब्लूटूथ नेक बैंड। अब इसका जो कलर है ब्लैक में मैंने लिया है। सारी चीज़ें बाहर करते हैं और इसके अंदर एक चीज़ और मिलती है आपको। एक चीज़ और क्या मिलती है इसके अंदर आपको, जो ये होते हैं इसके ईयरबड्स होते हैं, ईयरबड्स के आगे जो कज़न होते हैं, ये भी और आपको मिल जाते हैं एक्स्ट्रा। 3 पेयर्स मिल जाते हैं, एक पेयर इसके साथ लगा हुआ है और 2 पेयर आपको इसमें और मिल जाएंगे, जैसा पर यहाँ की यहाँ पर मेंशन है। और एक इसमें नोटबुक मिल जाएगी आपको और एक इसमें आपको माइक्रो USB का चार्जिंग मिल जाएगा, केबल मिल जाएगा छोटा सा। तो वो चीज़ अभी मेरे पास नहीं है आपको दिखाने के लिए, लेकिन बॉक्स के अंदर वो भी चीज़ आपसे बॉक्स से बाहर निकाल लिया हम लोगों ने। अब बॉक्स से बाहर निकालने के बाद जो भी बातें होंगी विराट भैया के सामने होंगी। विराट इसके एम्बेसडर नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे फेवरेट हैं, तो टेबल पर लगा हुआ इनका फोटो। अब चलिए बात करते हैं यार इसके बारे में। अब जहाँ तक यार इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें, ये जो इसका ईयरबड्स है, इसकी डिज़ाइन यार काफ़ी अच्छी है और फिनिशिंग भी अच्छी है। तो मेटल है इसमें, यहाँ पर पीछे वो मैग्नेट मिल जाता है, तो आप इसे जैसे नहीं यूज करते हैं तो दोनों चिपका सकते हैं एक साथ में, थोड़ा टेंगल कम होता है वायर इससे। तो ये मज़ेदार चीज़ है, मुझे वैसे इसे टक 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 करने में मज़ा आ रहा है। अब अगर बात करें यार इसमें आगे जो ये सॉफ्ट दिया गया है, रबर दिया गया है, ये बहुत थोड़ा कोमल है, अच्छा लग रहा है, लेकिन एक हिसाब से जहाँ तक 1300 की प्राइस है तो उस हिसाब से सही है, सॉफ्ट ही है। ओके, अब यार अगर इसके आगे बात करें और इसके वायर्स की, तो जो ये वायर्स दिया गया है दोस्तों, वायर भी बहुत अच्छा है, मतलब अच्छी क्वालिटी का वायर है, बढ़िया वायर है। अब आगे बात करते हैं इसके ये जो है वायर, दोनों इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच का वायर, ये भी ज़्यादा मोटा वायर नहीं है, पतला वायर है और अच्छा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ही है। अब बात कर लेते हैं यार इसके कंट्रोल पैनल की। ओके, अब अगर बात करें इसके कंट्रोल पैनल की, तो यहाँ पर आपको दोस्तों 3 बटन मिल जाएगी, एक वॉल्यूम डाउन की, एक अप की, उसके बाद यहाँ पर आपको ये बटन मिल जाएगा पावर ऑन ऑफ का। साथ में ये बटन काम करता है इसके अंदर गूगल और जो सीरी है उसका भी कंपैटिबल है उसके साथ, तो यहाँ पर इस बटन को आप प्रेस करके उन्हें भी कमांड दे सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक लाइट मिल रही है जो जल रही है, तो ये आपको बताएगी चार्जिंग के समय, इंडिकेट करेगी, उसके बाद कनेक्टिविटी भी इंडिकेट करेगी कुछ इस तरीके से। अब बात कर लेते हैं इसे चार्ज आप कहाँ से करेंगे। अगर चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको माइक्रो USB का चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, तो यहाँ से आप इसे चार्ज कर सकते हैं। प्लेबैक टाइम की अगर बात करें तो 9 आवर्स का दिया गया था, तो आप इसे लगभग 1-1.5 घंटे में चार्ज हो जाएगा जो टाइम वहाँ पर दिया गया है, तो लगभग 6-7 घंटे तो आप इसे यूज कर ही सकते हैं। अगर स्टैंडिंग मोड पर रखेंगे तो जहाँ तक मैंने यूज़ किया है तो 12-12 घंटे तक लगभग दे देता है, इसका ड्यूरेशन चल जाता है अगर आप स्टैंड बाई पर रखते हैं, फ़ोन कॉल यूज़ करते हैं या फिर हमेशा नहीं यूज़ करते हैं तो। अब यार आगे अगर बात करें, जो दूसरी तरफ इसका दिया गया है, हाँ इसका सिस्टम दिया गया है, वहाँ पर कुछ भी चीज़ नहीं है, एक मोटरोला का यहाँ पर दिया गया है आपको ब्रांडिंग। तो कुछ इस तरीके से बात हो गई इसके बारे में कि क्या क्या कैसे इसकी बिल्ड क्वालिटी है। अब आगे बात करते हैं कि कैसे काम करता है और कितना अच्छा लगता है अगर आप इसे वियर करते हैं। ओके, तो चलिए आगे भी देख लिया जाता है।
अब यार अगर बात करी जाए इसके लुक्स की, तो आप कुछ इस तरीके से इसे जब पहनेंगे तो इस तरीके का कुछ लुक है इसका, वैसे अच्छा लगता है, काफ़ी कूल लग रहा है। अब यहाँ पर इस तरफ बात करें तो इसका पूरा सिस्टम है, यहाँ से पावर आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, पूरा कंट्रोल पैनल इस तरफ दिया गया है, इस तरफ यहाँ पर मोटोरोला की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। तो कुछ इस तरह अब बात कर लेते हैं यार कि अब कितना अच्छा इसका वॉल्यूम है, जहाँ तक मैंने टेस्ट किया है तो काफ़ी हाई वॉल्यूम है और बेस भी काफ़ी अच्छा खासा है इसमें। तो अगर आप गाना वाना सुनना पसंद करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। मैंने उसकी अगर लाउडनेस की बात करें यार, तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा लाउड है, तो मैं इसे मीडियम पे भी सुनता था, लेकिन इसमें जो बेस था कमाल का था और आइडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छी आइडियो क्वालिटी है एक प्रकार से। तो 1300 रुपये में जहाँ तक है बहुत अच्छा ईयरफोन है। अब एक बार आपको मैं टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि कैसी वॉइस है इसकी, तो फटाफट बजा लिया जाता है, यूट्यूब का सहारा लिया जाता है यहाँ पर। अब यार मैं एक बार आनंद ले लेता हूँ, तो कुछ इस तरीके से इसकी क्वालिटी है, आइडियो की क्वालिटी है। और जहाँ तक बात करें यार ईयर में फिट होने की, तो बहुत अच्छी तरीके से फिट हो जाता है। और इसे यार स्पोर्ट का हेडफोन उन लोगों ने कह के बुलाया है, और जहाँ तक प्रेजेंट किया गया है तो स्पोर्टी लुक दिखाया भी गया है। तो जहाँ तक मैंने ट्राई किया, तो थोड़ा आप अगर उछल कूद करते हैं चहल कदमी भी, तो अच्छी तरीके से फिट रहता है कानों में। तो यार आज की इस वीडियो में बस इसके बारे में पूरा डिस्कशन हो चुका है, मोटोरोला के इसी वर्बी रैप 250 के बारे में। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे इसको लिंक भी मैं अमेजोन का जो लिंक है उसे मैं नीचे दे दूंगा, आप इसे ऑफलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, लगभग 1200-1300 रुपये में ऑफलाइन भी आपको मिल जाएगा। तो यार ये मेरा पहला अनबॉक्सिंग वीडियो था, जहाँ तक मैंने पूरा प्रयास किया है कि अच्छी तरीके से आप लोग के सामने प्रेजेंट कर सकूँ जो भी चीज़ मैंने इसे एक्सपीरियंस करी। मैंने भी 2-3 दिन इसे यूज़ किया, तो अच्छी तरीके से मैंने टेस्ट करने का प्रयास किया। अब आप अगर अच्छा लगा है मेरा ये प्रयास, तो नीचे वीडियो में कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय। Bye, bye, bye.